नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका वर्मा। सोनम कपूर की शादी की डेट 8 मई को फाइनल हो गई है। इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए पूरा कपूर खानदान एक बार फिर मुंबई में इकट्ठा हो गया है। लेकिन शादी के ठीक 5 दिन पहले 3 मई को श्रीदेवी को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड दिया जाएगा, जिसके लिए बोनी कपूर अपनी बेटी खुशी और जाह्नवी के साथ ये अवार्ड लेने पहुंचेंगे। 65वें नेशनल फिल्म अवार्ड के मौके पर श्रीदेवी का अवार्ड लेने बोनी कपूर अपनी दोनों बेटियों खुशी और जाह्नवी कपूर के साथ पहुंच रहे हैं। श्रीदेवी को यह सम्मान 2017 में फिल्म मॉम में बेहतरीन अदाकारी के लिए दिया जाएगा। कपूर खानदान के लिए बेहद गर्व की बात है। महज 2 महीने पहले श्रीदेवी की हुई मौत से अब तक बोनी कपूर उभर नहीं सके हैं। ऐसे में बोनी को उनकी बेटियों ने दिल्ली नेशनल अवार्ड समारोह में साथ चलने के लिए तैयार किया। पिछले दिनों श्रीदेवी को ये सम्मान दिए जाने की जब घोषणा हुई थी तो खुशी, जाह्नवी और बोनी कपूर ने अपनी खुशी को जाहिर किया था। बोनी कपूर ने एक नोट लिखा और उसमें श्रीदेवी के लिए लिखा कि 300 फिल्मों में ये देखने को मिलता है, वे एक सुपर एक्टर ही नहीं, एक सुपर वाइफ और सुपर मॉम भी थी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।